हेलो बच्चों बच्चों आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक कार्य करेंगे। क्या एक्टिविटी है बच्चों? आपने नए निराले शब्दों में क्या क्या सीखा है? लड़का लड़की आपने सीखा, एक नाम और सीखा, उल्टे अर्थ शब्द सीखे हैं। आज हम एक नाम और के साथ एक एक्टिविटी करेंगे। ये देखिए, हमने लिखा एक नाम और, मतलब एक जैसा दूसरा शब्द बोलना है या बता देना है। अब इसके साथ हम सही या गलत करेंगे। हमें देखना है कौन सा शब्द के साथ जो दूसरा शब्द लिखा है वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे गलत का चिन्ह लगाइए, सही है तो सही का चिन्ह लगाइए। तो आगे बढ़ते हैं हम इस शब्दों के साथ, ये जो शब्द दिए हैं उसी के साथ अभ्यास करते हैं। चलिए, पहला हमारा शब्द दिया हुआ है बारिश। तो बारिश का दूसरा शब्द क्या होगा? वर्षा। तो हमने बारिश के साथ लिखा है बाढ़, तो ये है पूरा, ये गलत है, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। बारिश का मतलब है वर्षा। नेक्स्ट हमारे पास है बादल। बादल का मतलब मेघ, ये सही है, इसका हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारे पास पेड़। पेड़ का सही नाम या दूसरा नाम समान अर्थ वाले शब्द क्या है? वर्ष। यहाँ पे वृक्ष सही है। जल, जल का अर्थ है वर्षा, ये जल का समान अर्थ वर्षा, ये गलत है। जल मतलब पानी बोला जाएगा, तो ये गलत है, ये जोड़ा जो है वो गलत है। अब देखेंगे हम पंछी। पंछी का अगला शब्द या समान शब्द पतंग, नहीं ये गलत है। पंछी का अगला शब्द है चिड़िया, ठीक है, पक्षी, सॉरी चिड़िया नहीं पक्षी। पंछी का जो सामान्य शब्द होगा पक्षी। गलत का चिन्ह लगाना है, ओके। तो ये गलत है, पंछी का हमने पतंग दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो ये गलत है, इसका होगा पंछी का पक्षी। आगे बढ़ते हैं, फूल के साथ इसके सामान्य अर्थ कौन से है? फल, तो ये गलत है। फूल का मतलब है कुसुम, तो ये हम यहाँ पे गलत करेंगे। एक बार देख लेते हैं, बारिश का बाद गलत है, बादल मेघ सही है, पेड़ वृक्ष सही है, जल वर्षा गलत, पंछी पतंग गलत, फूल फल गलत। आगे बढ़ते हैं, जमीन का मतलब दूसरा अर्थ है धरती, सही है, इसको हम सही करेंगे। आगे गृह घर, हाँ ये भी सही है, इसका मतलब घर है, ये भी सही है। मृग का मतलब है कुसुम, ना ये गलत है, यहाँ हमें हिरण देखना था, ये गलत है, मृग का मतलब हिरण है, कुसुम का मतलब होता है फूल। आगे बढ़ते सुबह सवेरा, हाँ ये सही है, इसका समानार्थ सही है। आगे बाग बगीचा, ये भी सही है। और अंत में देखेंगे नाव नैया, ठीक है, नाव को नैया भी बोला जाता है, तो ये भी सही है। तो बच्चों हमने यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी की है जिनमें हमें ढूंढना था कि जो गलत जो जोड़े हैं उसको आप ढूंढिए और सही जोड़े को देखिए कौन सा शब्द सही है। तो हम एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं और उसके सही शब्द बताते हैं। बारिश, बारिश का सही शब्द होगा वर्षा। जल, जल का सही शब्द है पानी। पंछी का पक्षी। फूल का कुसुम। और गलत कौन सा है? मृग, इसका हिरण होना चाहिए, ओके, बाकी सारे सही है। तो हमारे चार जो चार या पांच गलत जो थे उसको हमने सही जवाब भी हमने बता दिया। तो बच्चे इस तरह से आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आपकी अभ्यास जो एक सामान्य अर्थ वाले शब्दों का अभ्यास अच्छे से हो। और आज हम यही पाठ को अंत कर रहे हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।